नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस डे 8 में देखेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं यहाँ पे, जो यूपी के डेटा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्टेड है वो सारे देखेंगे, प्लस यूपी जीके का कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। यूपी जीके का जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैं यहाँ पे टच करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम जो है यूपी के लिए है ये, और यूपी के किस डिपार्टमेंट की है ये याद होना बहुत जरूरी है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो यूपी के किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन का ये है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये वाली जो चीज आप जरूर याद रखिएगा कि यूपी के आपका एमएसएमई डिपार्टमेंट की है ये। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए पिक्चर के साथ है सब कुछ, तो चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि पिक्चर में थोड़ा सा इसमें ये कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया गया है। इसमें ये है मतलब बेसिक फोकस ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा जो है प्रमोट करेंगे, वहां के जो भी इसके रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, इसकी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे करी जाएंगी। अब कौन सा प्रोडक्ट किस किस जगह में कैसे कैसे फेमस है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जैसे आगरा में क्या है, लेदर, लेदर एक्सपोर्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, आगरा में आपका लेदर एक्सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए ये जो है ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है। इसमें आपको एक तरफ ऐसे लिख देंगे कि जैसे आगरा, ठीक है, आगरा लिख दिया, अमरोहा लिख दिया, अलीगढ़ लिख दिया और रैया लिख दिया, और यहाँ पे जो है चार लिख दिया लेदर प्रोडक्ट, फिर ये लॉक्स और ये हार्डवेयर, म्यूजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट और फूड प्रोसेसिंग। तो ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत दीजिएगा किसी भी तरह से, ये इसमें से समझ लीजिए आना क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आगरा में क्या हो गया आपका लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा में आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, अलीगढ़ में हो गया लॉक्स और जो है हार्डवेयर। वैसे भी आपको पता है अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, वैसे ही, ठीक है। औरैया में क्या है, फूड प्रोसेसिंग यानी कि देसी घी बहुत फेमस है औरैया का, ठीक है। ऊपर और चल रहे हैं तो आजमगढ़ में क्या फेमस है, ब्लैक पॉटरी, ठीक। अम्बेडकर नगर में टेक्सटाइल प्रोडक्ट बहुत फेमस है, अमेठी में जो है मूंग प्रोडक्ट बहुत फेमस है, अयोध्या में जैगरी यानी कि जो है गुड़ बहुत फेमस है। ये सारी चीजें मतलब फूड के लिए है ये मेनली, ठीक है, फूड या फिर मतलब जो भी स्पेशल प्रोडक्ट होगा उसके लिए। बदायूं में आपका जरी जरदोजी बहुत फेमस है, ठीक है। बागपत में होम फर्निशिंग हो गया, बहराइच में आपका हैंडीक्राफ्ट वीट स्टॉक हो गया, ठीक है, बरेली में आपका जरी जरदोजी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और ऊपर चलेंगे तो बलिया में क्या है आपका, बलिया में आपका बिंदी टिकुली हो गई, बस्ती में वुड क्राफ्ट, बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग दालें जो है बहुत फेमस है, भदोही में कारपेट। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ कुछ जरूर याद रखिएगा इसमें, इसमें मैथ द फॉलोइंग आ सकता है, इसे एक बार जो है गो थ्रू सारे कर लीजिए। बांदा में आपका शजर स्टोन क्राफ्ट, बिजनौर में वुड क्राफ्ट है, बाराबंकी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। अब जैसे इसलिए जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट कई जगह है वो, तो वो आएगा ऐसे, इसलिए एक बार देख लीजिए, देखना जरूरी है। बुलंदशहर में सिरेमिक प्रोडक्ट हो गया, चंदौली में आपका जरी जरदोजी हो गया, चित्रकूट में वुडन टॉयज, ठीक है, मतलब कि लकड़ी के खिलौने कहां पे है, चित्रकूट, ऐसे आप याद रखते हैं। देवरिया में हो गया डेकोरेटिव प्रोडक्ट, इटावा में हो गया टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है, एटा में हो गया आपका एंकल बेल्स, ये जो घुंघरू बेल्स और ब्रास प्रोडक्ट है ये। टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गया आपका, ये कहां पे है, फरुखाबाद में, फतेहपुर में हो गया बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फिरोजाबाद में आपका हो गया ग्लासवेयर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में क्या हो गया, रेडीमेड गारमेंट बहुत जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, गाजीपुर में जूट की जो वॉल हैंगिंग होती है, गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ठीक है, गोंडा को फूड प्रोसेसिंग दालों के लिए जो करा जा रहा है, गोरखपुर को टेराकोटा के लिए, ठीक है, हापुड़ को होम फर्निशिंग के लिए, हरदोई को हैंडलूम के लिए, हथरस को जो है हींग के लिए है ये, ठीक है, हींग असाफ लेकर के जो है ये हींग के लिए, मतलब बेसिकली हमीरपुर को जूतों के लिए, जालौन को जो है हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए, जौनपुर को वुडन कारपेट के लिए, झांसी को सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, सॉफ्ट खिलौने के लिए, कौशाम्बी को फूड प्रोसेसिंग बनाना के लिए, कन्नौज में इत्र बहुत फेमस है, ठीक है, कन्नौज का इत्र ये तो सुना ही होगा आपने, कुशीनगर के बनाना फाइबर जो है प्रोडक्ट बहुत फेमस है, कानपुर देहात का एल्यूमिनियम अटेंसिल्स जो है बहुत फेमस है, कानपुर में अगर आप जानते हैं जैसे जाजमो के पास पास जो एरिया है वहां पे लेदर प्रोडक्ट बहुत फेमस है, कानपुर जो है पूरे दुनिया भर में इसीलिए फेमस है कि लेदर प्रोडक्ट के लिए ये पूरी दुनिया भर में फेमस है ये। ऐसे तो बहुत सारी चीजें और भी है कानपुर का, मैं भी तो हूं कानपुर का। कासगंज जो है वो जरी जरदोजी के लिए फेमस है, लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट, ललितपुर जो है जारी सिल्क साड़ी के लिए फेमस है, लखनऊ में क्या है, चिकन करी और जारी जरदोजी, ठीक है, महाराजगंज फर्नीचर के लिए,
मेरठ जो है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है ये। महोबा किसके लिए है? गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये जो मिर्जापुर है ये कारपेट के लिए है, मैनपुरी जो है ये तरकाशी आर्ट के लिए, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए, मथुरा जो है सैनिटरी फिटिंग के लिए, मथुरा के वैसे पेड़े भी बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मुजफ्फरनगर में जो है जैगरी के लिए फेमस है, गुड़ के लिए। फिर मऊ जो है पावर लूम टेक्सटाइल के लिए फेमस है, पीलीभीत जो है बांसुरी के लिए फेमस है, प्रयागराज जो है मूंज प्रोडक्ट के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। ये देखिए उसकी पिक बनी हुई है, ऑफिशियल साइट से डेटा लिया है मैंने ये। रायबरेली वुड वर्क के लिए फेमस है, रामपुर जो है आपका जरी पैचवर्क के लिए हो गया, इसके लिए फेमस है ये। प्लस संत कबीर नगर आपका जो है ब्रास क्राफ्ट, ब्रास वेयर क्राफ्ट के लिए फेमस है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए फेमस है। शामली जो है आपका आयरन आर्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग के लिए फेमस है। श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद जो संबल है आपका हैंडीक्राफ्ट हॉर्न बोन के लिए फेमस है। सिद्धार्थनगर काला काला नमक राइस के लिए फेमस है। सीतापुर जो है कारपेट के लिए फेमस है। सोनभद्र जो है आपका कारपेट के लिए फेमस है। मून प्रोडक्ट के लिए अभी और हमने क्या देखा था, सुल्तानपुर भी है उसके लिए। उन्नाव जरी जरदोजी के लिए, वाराणसी जो है बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है। ये वाले वो प्रोडक्ट है जिनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वाले आप देखिए आज दिमाग के दही करने वाले सारे चीजें हैं यहाँ पे, सारे जो है डेटा है, रटना पड़ेगा। यूपी जीके के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो चीज आते हैं अगर आप हमारे वीडियो फॉलो कर लेंगे तो सब करा देंगे। यूपी जीके की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें सारा डेटा एक साथ देख सकते हैं। उसका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आज यहां भी मैं कवर करवा रहा हूं कि गंगा के तट पर स्थित नगर, देखिए कुछ जो है टॉपिक है उनपे यूपी पीसीएस हमेशा पूछता है, जैसे कि लिस्टिंग आपको जरूर याद रखनी चाहिए। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पिछले 2017 में क्वेश्चन पूछा था कैपिटल देश और उनकी राजधानी की जो है, मैं द फॉलोइंग पूछ लिया था बताइए आप, तो आपको देश और उसकी राजधानी भी जो है पता होनी चाहिए। ऐसे जो है उल जलूल देश पूछेंगे जिनका नाम ही ना सुना हो, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, ठीक है। मैं उसी फोकस पे लगा हुआ हूं। प्लस ऐसे नगर पूछेंगे जो दुनिया भर की जो नदियां हैं उनपे स्थित है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ स्टेट पूछते हैं वो ऐसी जो है जो आपने ना सुनी हो, तो जानबूझ के वो जो इनकी फिलॉसफी है वो उसी लिए पेपर देख के मैं एनालिसिस करता हूँ, वही सब चीजें बताता हूँ। तो वह उसी क्रम में ये वाली कुछ चीजें हैं, गंगा के तट पर स्थित नगर है कुछ, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ जो है मेजर रिवर के तट पर स्थित नगर है, वो वाले आपको यहाँ पे देखने जरूरी है कि कौन कौन सा नगर है आखिर जो गंगा के तट पर यहाँ पे स्थित है। शेरपुर यानी कि बलिया, गाजीपुर सैदपुर यानी कि गाजी, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, सिरसा हो गया, इलाहाबाद हो गया, शंखबेरपुर हो गया आपका इलाहाबाद के पार्ट है, काला कांकर प्रतापगढ़ में, डालमऊ हो गया, बक्सर हो गया उन्नाव के आसपास, कानपुर बिठूर भी है कानपुर का ही एक पार्ट है समझ सकते हैं, बिल्लौर हो गया कानपुर का पार्ट है ये, फतेहगढ़ जो है फर्रुखाबाद का है, कछला घाट हो गया बदायूं का, अनूप शहर हो गया बुलंदशहर का, गढ़ मुक्तेश्वर ये है आपका हापुड़। 26 ऐसे नगर है जो गंगा के तट पर स्थित है, ये आपको एक बार देखना जरूरी है। अभी इस बार हम लोगों ने यूपी वाला लिया है, अगली बार जो है इंटरनेशनल वाले लेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आपने अभी देखा होगा मेरे टेलीग्राम में एक मैसेज किया था मैंने, वो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। कई बार जो है कुछ चौंडी छाप टाइप के लोग बहुत जो है परेशान रहते हैं। रामनगर पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? मुरादाबाद और बरेली नगर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यमुना के तट पर कौन कौन से नगर स्थित है, ये वाला जो है, अब देखिए हिंदी इंग्लिश यहां पे मत करिएगा, इतना समझो यार। इलाहाबाद जो है आप इसको प्रयागराज बोलते हैं, पता है मुझे, तो आप प्रयागराज ही समझिएगा। सब जगह कौशाम्बी हो गया, हमीरपुर हो गया, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत, ये सारे के सारे जो 10 नगर है ये यमुना के तट पर स्थित है। गोमती तट पर कौन कौन से है? जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में जो है गोमती नदी है। अच्छा आप ये बताइए, ये किसी ने जवाब नहीं दे पाया यार, बहुत कंफ्यूजिंग है, आप लोगों ने जवाब दिए थे, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना बहुत ज्यादा है, 3 क्वेश्चन है। पहली बात तो यूपी की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, पूरे इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, और पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको जल्दी से बताना है, करेक्ट बताना है, एकदम रिसर्च करके बताइएगा। कुछ तो आप लोग भी करते रहा करो यार, हम लोग जो है हम आपके बिल्कुल जैसे आप हैं और हम दोनों एकदम दोस्त टाइप के हैं, तो कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करो, इसी तरह जो है गाड़ी चलती रहेगी।
सरयू तट पर कौन कौन से हैं? अयोध्या, गोला, फिर आपका बरहलगंज, बरहल, ये सारे जो है आपके सरयू नदी पर है। फिर उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है लिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या क्या है आपका, राप्ती तट पर कौन कौन है, गोरखपुर और बरहज, ठीक। वाराणसी नगर कहां स्थित है, वरुणावस्ती नदियों के मध्य में गंगा के बाएं तट पर स्थित है, ये आपका वाराणसी। बांदा कहां पे है, केन नदी तट पर है, ठीक है। बांदा कहां पे है, केन नदी, तो केन को जो है आपने बांदा, बांदा, ठीक है। हमीरपुर नगर कहां पे, बेतवा नदी पर है। चित्रकूट कहां पे आपका, ऊपर करते हैं थोड़ा इसको, हाँ, चित्रकूट जो है आपका ये कहां पे है आपका, पयसुनी और मंदाकिनी तट पर है। प्रतापगढ़ कहां पे, सई नदी तट पर है। सोनभद्र कहां पे, सोन नदी। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो आपको लग रहा है एकदम जो है ये नया नाम है, छोटी छोटी सी होती है, कई बार मेजर रिवर्स को ही हम लोग याद रखते हैं, मेजर रिवर्स को ही जो है मेन बुक में फोकस किया जाता है। मुरादाबाद कहां पे स्थित है, रामगंगा पर। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये कहां पे, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन के किनारे है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसमें जो है यूपी वाला और एक इंपॉर्टेंट डेटा यह है, यूपी में क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी चीजें यूपी में। जैसे अगर आप देखें टाइगर रिजर्व कितने हैं, 3 है टाइगर रिजर्व, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जब टाइगर रिजर्व वाला बताया था शायद डे 3 या 4 में बताया था। देखिए यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है, एक दुधवा है, ठीक, एक पीलीभीत है और एक अमनगढ़, जो एक मतलब कॉर्बेट का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें जो है आपका ये देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो आपका ये है टाइगर रिजर्व वो है दुधवा, ये भी याद रखिए, सबसे छोटा कौन सा, अमनगढ़। वैसे टोटल टाइगर रिजर्व में भी अमनगढ़ पूरे इंडिया में सबसे छोटा है। अच्छा एक एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये कोई देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये वाले क्वेश्चन एक साथ प्लीज बताया करिए, कोई मतलब आप लोगों बहुत आप लोग इंटेलिजेंट है, मुझे पता है यूपी में जो है टैलेंट गली गलियों में बसता है और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत अपना उसका यूज भी करिए। कुछ ऐसे जो जैसे मैं चीजें पूछता हूँ, अगर आप यूट्यूब में हमारा वीडियो देखते हैं उनको एक जगह लिखिए, आप लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा और प्लस उसको कितने लोग जो है देखेंगे उनको याद रहेगा। अब आप ये बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, पहला क्वेश्चन। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, दूसरा क्वेश्चन। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरा क्वेश्चन। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व है, चौथा क्वेश्चन। कौन कौन से जो है स्टेट ऐसे है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये जो है पांचों चीजें आपको बतानी है और ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना जरूर है कमेंट करके, इससे पहले वाला और ये वाला, ये दोनों डेटा बताना है। इकोनॉमी पापा वाला वीडियो आज नहीं कर पाया मैं अभी उसमें, क्योंकि कुछ चीजें मुझे एडिट करनी है, वो मैं कल दूंगा, कल बहुत बड़ा एक महारथी वीडियो आएगा, ठीक है, अभी मैं उसमें आज से ही लग जाऊंगा। तो ये है आपका, तो यूपी में कितने, 3 टाइगर रिजर्व हो गए, 1 एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है, उसका वो कहां पे है आपका ये मतलब, और एक है मतलब यूपी में एलिफेंट रिजर्व, 400 के आसपास पॉपुलेशन है उसकी, 2012 का है लेटेस्ट डेटा, प्लस इस ये है मतलब इसका नाम उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट यूपी में एक है सिर्फ, उसका नाम है अपर गंगा रिवर, सॉरी इसी पे हो गया। रामसर स्टेट कितनी है यूपी में, ये आपकी अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट से लेकर नरोला स्टेट तक, ठीक। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहां पे तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है यूपी में, 3 है, एक है फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल, और नेशनल पार्क यूपी में कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये है डेटा, टोटल मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आगे चलते हैं यहां पे, कुछ प्रमुख शहरों के उपनाम यानी कि निक नेम, ठीक है, निक नेम आपको यहां पे देखने हैं, एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसमें भी प्लीज हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, जो ऐसा हिंदी है ऐसा ही इसको बोलेंगे, ठीक है, संगम सिटी बोल देंगे, कुंभ नगरी बोल देंगे, तीर ऐसे करके बोल देंगे, तो यहां पर जो बताता जा रहा हूं वाली भाषा वो ऐसे ही सुन लीजिए। तो इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज हो चुका है उसको किया कहते हैं, उसको कहते हैं संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे नाम बोलते हैं प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को। आंवला नगरी किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहते हैं आंवला नगरी। आमो का नगर किसको कहते हैं, मलिहाबाद, मलिहाबाद जो लखनऊ के आसपास है। अब अगर आपने देखा होगा कई बार कि मलिहाबाद का जो आम है बहुत मीठा होता है, ठीक है, तो ये हो गया। गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर, ये सब गोरखपुर को बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, बहुत डेटा दिया ये, बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, लेना पड़ता है यार, करना पड़ेगा यार, कोई इसका चारा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें यहां पे चरम नगर हो गया, उद्योग नगर हो गया, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर लिखा मैनचेस्टर होगा,
ये कानपुर को बोलते हैं। अच्छा ये बताइए मैनचेस्टर जो है वो पूरी दुनिया में काहे के लिए फेमस था अभी तक, और जो कई सारे सिटी को कि यहां का मैनचेस्टर वहां का मैनचेस्टर काहे के लिए फेमस था आखिर वो। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसको बोलते हैं, गाजियाबाद को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का शो विंडो बोलते हैं नोएडा को। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू वैकुंठ अयोध्या को बोलते हैं। अयोध्या बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में भी है, आपको पता है किस लिए। नेक्स्ट है इसमें भागवत। अच्छा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को ही जो है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, ये आप एक और चीज है। भागवत कथानगर बोलते हैं शुक्रताल को। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान बोलते हैं नैमिषारण को। कैची नगर, क्रांति नगर बोलते हैं मेरठ को। ऐसा काहे बोलते हैं, क्योंकि मेरठ से ही जो है 1857 की क्रांति की आग जली थी, ये इसलिए है। ये जैनी लोगों का काशी है हस्तिनापुर मेरठ। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोलते हैं। काशी की बहिन ये बोलते हैं किसको, गाजीपुर को, ठीक है। और ऊपर चलते हैं इसमें और बहुत सारा चीजें देखेंगे आज हम लोग। धान का कटोरा यूपी किसको बोलते हैं, चंदौली। नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर, ये किसको बोलते हैं, रामपुर को। वैसे नवाबों का शहर जो है लखनऊ में भी बोलते हैं, लखनऊ बोलते हैं ना, पहले आप वाला कल्चर है। ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा में बोलते हैं। लड्डू नगरी संडीला हरदोई, संडीला हरदोई के हमारे एक दोस्त भी है। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। हींग व गुलाल नगरी जो है हाथरस। कृष्ण नगरी पेड़ा नगर, भू वैकुंठ। 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र बोलते हैं मथुरा को, अभी मैंने बताया था। और मथुरा किस चीज के लिए फेमस है वो भी मैं बता चुका हूं। ताला नगरी बोलते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं सोनभद्र को, ठीक। बांस बरेली सुरमा नगरी, ये बोलते हैं आपका बरेली को। नवाबों का शहर बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर बोलते हैं लखनऊ को। पीतल नगरी बर्तनों का शहर बोलते हैं मुरादाबाद को। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, ठीक है। और फिर सीढ़ी नगर, पांडों का नगर, घाटों का नगर, ये बोलते हैं आपका वाराणसी को। सिराजे हिंद और पूर्व का सिराज बोलते हैं जौनपुर को। फिर ये कुछ देखेंगे कुछ नगरों के प्राचीन नेम, प्राचीन नाम यानी कि एंशियंट नेम्स है ये। लखनऊ को पहले बोलते थे लक्ष्मणपुर, लखनपुर। कन्नौज को कानकुब्ज नगर जो है महोदयश्री, तो ये नगर महोदयश्री जो है इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं, कन्नौज को। काशी जानते हैं आप, वाराणसी। प्रयागराज को इलाहाबाद किया गया, फिर अब प्रयागराज ही हो गया वो तो। गोरख जो है गोरखनगर, ये गोरखपुर। अच्छा एक चीज और, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि ये बताइए लेटेस्ट में पिछले एक साल के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है सिटीज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है बदले हैं, जल्दी से कमेंट करके एक साथ बताइएगा, ठीक है। जो भी ऐसा कमेंट लेगा उसका कमेंट मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पे जो तीनों मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसके कमेंट को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा कि आपका भी कंट्रीब्यूशन, आपका नाम भी दिया जाएगा कि यहाँ पे जो है वो चीजें। लेकिन हाँ ये पूरा फैक्ट चेक करके भेजिएगा ताकि आपका भी जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहे हमारे वीडियोज बनाने में भी, तो आप थोड़ा सा ये भी पार्ट किया करिए प्लीज। कोई अगर आप हमारे डे वन से लेके अभी तक कोई नोट्स बना रहा है, किसी की जो है राइटिंग बड़ी सुंदर है, तो प्लीज मुझे शेयर करिए, मैं उसको टेलीग्राम में शेयर करूंगा, ठीक है। हम लोग जो है आपस में मिलके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए प्रयाग, अब जो गोरखनगर हो गया, कुशीनगर हो गया, कुशीनारा को कुशीनगर जो है, कुशीनारा पहले जो है कुशीनारा पहले नाम था, अब कुशीनगर है। आई क्षेत्र है रामनगर, बरेली, मधुपुरी है मथुरा, पिपर हवा कपिल वस्तु या सिद्धार्थ नगर है इस समय। अयाजस्सा अवध इसको बोलेंगे, अयोध्या या फैजाबाद। ऋषि पतन सिंहपुर ये है सारनाथ वाराणसी। ब्रह्म सारणी है आपका बरसाना या मथुरा, लोग मथुरा जाते हैं वहां देखते होंगे बरसाना जो है बड़ा फेमस है। ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ। शुकर क्षेत्र है सोरो कासगंज, श्रावस्ती है सैयद मैट श्रावस्ती, और कांपिल है कंपिल फरुखाबाद, ठीक है। तो ये आज का जो है पूरा हो गया फिनिश, छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप जो है कल तक कमेंट करिए, कल मैं बना रहा हूँ एक काफी जो है बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या करूंगा मैं इकोनॉमी पापा वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं 6-7 घंटे का, आपने देख लिया होगा शायद, देख लिया होगा, तो उसमें मतलब 1-2 दिन लग सकते हैं, कल भी आ सकता है या फिर जो है परसों नरसों आ सकता है। एक महारथी वीडियो होगा वो बहुत बड़ा, तो कल वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल ही आ जाए वाला, उसमें आपको इकोनॉमी का पूरा डेटा मिलेगा, उसी में जो है यूपी बजट प्लस जो इंडिया के बजट वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, प्लस टॉप एक्सपोर्ट कहां से है इंडिया,
जो है टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी, इंडिया के लिए इंपोर्टिंग कंट्री, ये सब डिटेल ले रहा हूँ, प्लस जो लाइव स्टॉक सेंसस वाला था उसका कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल लिख के दे दूंगा। ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी। आप हमारा यूपीपीसीएस 2019 का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ जो है पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही है, और 2019 का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप भी, टेस्ट सीरीज भी, और टेस्ट सीरीज विदाउट करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर भी। बीपीएससी 66 का ग्रुप चालू हो चुका है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 15 नवंबर से उसमें टाइम प्लान मिलेगा। बीपीएससी 65 के लिए मेंस के लिए जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं GS1-2 की आंसर राइटिंग प्लस फीडबैक के साथ, और प्लस GS1-2 का कंप्लीट मटेरियल के लिए आप हमारे ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी के दोनों ग्रुप चालू है 15 नवंबर से, यूपीएससी 2020 के लिए भी हमारा ग्रुप चालू है 25 नवंबर से। जो है हम लगातार जो है आपके सपोर्ट से बढ़ते जाएंगे और पूरा का पूरा जो है आपको सपोर्ट करते जाएंगे, जो भी हमारा ग्रोथ होगा फाइनली वो इसीलिए डेडिकेटेड होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सके। झारखंड की जीके सीरीज चालू हो गई, आप बिल्कुल उसको देखते रहिए, ओनली करंट अफेयर में बाइलिंगुअल करंट अफेयर चालू कर दिया हमने, उसको जरूर देखते रहिए। और प्लीज हमारा अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम में फ्री वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।